ई रिक्शा वायरिंग के ऊपर में जितना भी डाउट है ना, आज की इस वीडियो पे आपको क्लियर होने वाला है। क्या आपको पता है न्यू ई रिक्शा की वायरिंग किस तरीके से किया हुआ रहता है? अगर आपको नहीं पता है तो आज की इस वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को ई रिक्शा की वायरिंग करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ई रिक्शा पे वायरिंग किया हुआ रहता है। इसीलिए आज की इस वीडियो को आप कम्प्लीट जरूर वॉच कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोपाल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो लेकिन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूले, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने 48 वोल्ट 50 एम्पीयर का एक कंट्रोलर रखा हुआ है, और ये ई रिक्शा की जो वायरिंग सेट है ना, इस वायरिंग में बहुत सारा कलर की तार है। आज की इस वीडियो पे मैं ये वायरिंग का कनेक्शन इस कंट्रोलर के साथ करके दिखाने वाला हूँ। और ये जो कंट्रोलर है आप देख सकते हैं, ये कंट्रोलर दूसरा कंट्रोलर से काफी अलग है। ये जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर में आप देख सकते हैं बहुत सारा कलर किया गया है, नेगेटिव पॉजिटिव येलो ब्लू एंड ग्रीन। यहाँ पे जो कलर है ना, उस कलर के हिसाब से आपको वायर्स को जोड़ना है। जैसे कि 48 वोल्ट का नेगेटिव एंड पॉजिटिव और मोटर का येलो ब्लू एंड ग्रीन। ये कंट्रोलर की कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ पेचकस की जरूरत होगा, जो कि हमारे हाथ में है। तो चलिए जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। अभी हमें इस कंट्रोलर के साथ 48 वोल्ट का कनेक्शन कर लेना है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को जोड़ना है इस नट बोल्ट के जरिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे हाथ में 48 वोल्ट का नेगेटिव वायर है। तो यहाँ पे जो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे लूज कनेक्शन छोड़ देते हैं तो फिर आगे चल के आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर वन प्रॉब्लम है ई रिक्शा की वायरिंग, जो आपका ई रिक्शा पे लगा हुआ रहेगा वो वायरिंग हीट हो जाना। दूसरा नंबर पे है ई रिक्शा की माइलेज कम होना, और आपका ई रिक्शा का जो वायरिंग है ना, ये जल भी सकता है, ये नंबर 3 है। और 4 नंबर पे है आपका ई रिक्शा में जो कंट्रोलर लगा हुआ रहेगा ना, वो कंट्रोलर लूज कनेक्शन के वजह से ख़राब भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने का ज़रूरत है। और आज की इस वीडियो पे ना, आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 48 वोल्ट का और मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको ध्यान देने का ज़रूरत है, क्योंकि हमारे हाथ में ई रिक्शा का वायरिंग है, जो कि आप देख सकते हैं। और मैं आप सबको बता दूँ, ये जो कपलर आप देख सकते हैं ना, ये सब तार का अलग अलग काम होता है, और जितना भी तार है सब तार का कलर अलग अलग है, इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान देने का ज़रूरत है। और अभी आप हमारे हाथ में जो देख सकते हैं ना, इसको मैं कंट्रोलर के साथ जोड़ रहा हूँ। मैं आप सबको बता दूँ, ये जो कपलर है, ये हमारा मोटर सेंसर की कपलर होता है, जो कि मैं कंट्रोलर के साथ जोड़ दिया हूँ। और यहाँ पर हमारे हाथ में जो कपलर दूसरा नंबर पर देख सकते हैं, इसको मैं कंट्रोलर के साथ जोड़ा हूँ। इस कपलर पे ना बैक गियर की वायर और हमारा जो स्पीडोमीटर की वायर होता है ना, वो रहता है। और अभी तीसरे नंबर पे जो कपलर मैं जोड़ने वाला हूँ कंट्रोलर के साथ, इसमें हमारा थ्रोटल और की लॉक की कनेक्शन होता है, और एक होता है ब्रेक स्विच के लिए, जिसका कनेक्शन मैं अभी कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। अभी जो हमारे हाथ में कपलर आप देख सकते हैं ना, ये कपलर का जो काम है ना, मैं आप सबको बता दूँ, ये कपलर में 12 वोल्ट सप्लाई होता है। और ये जो कनेक्शन मैं किया हूँ, ये कनेक्शन यानी 12 वोल्ट सप्लाई हमारा साउंड सिस्टम में जाने वाला है। मैं आप सबको बता दूँ, सबसे पहले आपको ई रिक्शा पे अच्छा क्वालिटी का एक MCB लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं 63 एम्पियर का एक MCB का यूज़ करने वाला हूँ इस ई रिक्शा पे। मैं आप सबको बता दूँ, ये MCB का कनेक्शन करते टाइम आपको अच्छा से ये तार को जोड़ लेना है, वरना ये MCB ख़राब हो सकता है। यहाँ पे MCB का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अभी
और जितना तार है वो सबका कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे हाथ में आप देख सकते हैं बैक हॉर्न, इसको मैं ये कपलर के साथ जोड़ने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन मैं कर दिया हूँ। अभी मैं बता दूँ आपको, ये जो हमारे हाथ में अभी कपलर आप देख सकते हैं ना, ये कपलर होता है रिले का। और रिले के बारे में आपको अगर फुल डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिले का जो कनेक्शन है इसको मैं कर दिया हूँ कपलर के जरिए। हमारे हाथ में आप रिमोट देख सकते हैं। ये रिमोट के बारे में अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको इस रिमोट के बारे में फुल डिटेल्स में जानकारी चाहिए सो प्लीज़ आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारा वो वाला वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो वाला वीडियो पे मैं ये एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म के बारे में फुल डिटेल्स में बताया हूँ कि ये एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म कितना वोल्ट पे ऑन होता है और ये सिक्योरिटी अलार्म किस तरीके से हमारा ई रिक्शा को सिक्योर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म का जो कनेक्शन है ना, ये कम्प्लीट हो चुका है। अभी मैं डीसी कन्वर्टर का कनेक्शन करने वाला हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है। और मैं आप सबको बता दूँ, ये 20 एम्पियर का एक डीसी है और ये डीसी में 48 वोल्ट इनपुट होता है और ये डीसी हमारा आउटपुट करके देते हैं 12 वोल्ट। मैं आप सबको बता दूँ, ये 12 वोल्ट हमारा इंडिकेटर, हॉर्न, म्यूजिक सिस्टम, बैक लाइट और हेडलाइट में चले जाते हैं। और ये डीसी अगर ख़राब होता है तो ये सब काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे मेरे हाथ में जो कपलर है ना, जिसको मैं अभी जोड़ दिया हूँ, ये कपलर हमारा ब्रेक स्विच का होता है। तो आप लोगों ने देखा ई रिक्शा का वायरिंग किस तरीके से किया हुआ रहता है कंट्रोलर के साथ। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।